Welcome back in Chemistry by Sandeep Sharma. आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का साइज, ठीक है ना, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी. लैंथेनाइड का जो साइज होता है वो लैंथेनाइड का जो साइज होगा वो क्या होगा, लैंथेनम से लेकर और एल्यू तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, जिसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और एक्टिनाइड में एक्टिनियम से लेकर और लॉरेंशियम तक डिक्रीज करता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एज एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इंक्रीजेस देयर साइज डिक्रीजेस विच इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लैंथेनम से लेकर एल्यू तक आप देख रहे हैं लगातार साइज डिक्रीज कर रहा है, इसको हम कहेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब हम पढ़ेंगे इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है. लैंथेनाइड में ये 6s होगी, ये 4f होगी, और ये 5d होगी और ये 4f होगी. अब आप देख सकते हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन से कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में फिलअप हो जाएगी, s के बाद d में इनके इलेक्ट्रॉन एक या दो होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 5f और 4f में. तो जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा प्रोटॉन तो जाएगा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4f या 5f. और हम सब जानते हैं कि 4f और 5f की शील्डिंग पावर बहुत पुअर होती है. शील्डिंग पावर का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल करता है अट्रैक्टिव फोर्स से, और अंदर के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये सारे ये उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, उसको हम शील्डिंग कहते हैं. अब 4f और 5f की शील्डिंग पावर पूरी केमिस्ट्री में सबसे पुअर होती है. तो 4f और 5f इलेक्ट्रॉन 7s और 6x इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे. तो जब रिपेल नहीं करेंगे तो s में और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब न्यूक्लियस और s के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाएगा. जब इंक्रीज कर जाएगा तो बच्चों फिर s सेल किधर जाएगी, s सेल अंदर की साइड में श्रिंक हो जाएगी और लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज हो जाएगा. तो अब रीजन क्या हुआ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस प्रोटॉन गोज टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सब सेल हैविंग वेरी लेस शील्डिंग पावर, सो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन एस इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड डिक्रीजेस. अब हम देखेंगे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा. करीब करीब सारे ही लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के साइज इक्वल हो गए. अब जब सारे ही इक्वल हो जाएंगे तो उनको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आई या प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो गया. और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जामों में आती है, कि बेसिक करेक्टर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का बेसिक करेक्टर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे डिक्रीज करता है. तो सबसे बेसिक कौन होगा, लैंथेनम. क्यों होगा, क्योंकि लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा है. उससे थोड़ा कम बेसिक होगा गैडोलियम, और गैडोलियम से थोड़ा कम बेसिक होगा एल्यू. मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि लैंथेनम सबसे ज़्यादा बेसिक क्यों है. हम देखते हैं लैंथेनम ज़्यादा बेसिक क्यों है एल्यू से. तो आप देख सकते हैं लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा है. जब इसका साइज बड़ा होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा
तो आप देख सकते हैं क्या होगा, जब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अपना OH बॉन्ड इजीली दे देगा, जबकि एल्यू में साइज बहुत छोटा है, छोटे साइज की वजह से एल्यू का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने से ये ऑक्सीजन को एल्यू ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो मेटल और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो अब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो है कमजोर वीक और मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है स्ट्रांग, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये OH देगा, OH नहीं देगा, जबकि Na में मेटल और O का बॉन्ड वीक होता है तो ये बॉन्ड यहां से आसानी से टूट जाता है और जल्दी से OH देता है, तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा गैडोलियम हाइड्रोक्साइड से और गैडोलियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड से, एलियो हाइड्रोक्साइड से। हम चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम देखते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या लैंथेनाइड एक्टिनाइड के ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही होता है। अब आप सबसे पहले तो क्या समझते हैं, लैंथेनाइड का साइज एक्टिनाइड से ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट लैंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और एक्टिनाइड की ज्यादा, पर होता है उल्टा, एक्टिनाइड हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसको अपने दिमाग में फीड कर लो, क्या कि लैंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती। अब हम सीखेंगे क्यों, तो हम देखते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और ये 4F सेल है और ये 5F सेल है, वैसे तो दोनों ही F हैं, दोनों के लोब बराबर होंगे, ठीक है ना, लेकिन 4F की पेनिट्रेशन पावर, 4F की पेनिट्रेशन पावर 5F की पेनिट्रेशन पावर से ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर का मीन्स होता है कौन सा सबसेल या सेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो आप देख सकते हैं 4F तो ये रहा, 4F यहां पर है जबकि 5F बाद में है, तो 5F की पेनिट्रेशन पावर कम है, मतलब 4F न्यूक्लियस के करीब है, तो 4F मींस लैंथेनाइड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा एक्टिनाइड के 5F इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में S, D और F तीनों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है, फिर भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों की ही कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, मतलब सबसे ज़्यादा, इसके अलावा लैंथेनाइड +2, +4 दिखाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड +3 के अलावा +4, +5, +6 भी दिखाते हैं और 7 तक भी जाते हैं। अब बच्चा पूछेगा कि लैंथेनाइड कम क्यों दिखाते हैं और एक्टिनाइड हायर क्यों दिखाते हैं, तो हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 4F की ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर की वजह से लैंथेनाइड का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो लैंथेनाइड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो अब हमने बच्चों यहां पर क्या सीखा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लैंथेनाइड इसके अलावा +2 और +4 कॉमन दिखाता है, जबकि एक्टिनाइड आप देख सकते हैं इसके अलावा 7, 6 या हायर भी दिखाता है, जबकि लैंथेनाइड में ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब हमने इसमें मोटा मोटा क्या पकड़ा कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेबल होती, तो आप देखें
यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सीरियम प्लस फॉर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो हमें पता है कि सीरियम प्लस फॉर अनस्टेबल है और ये प्लस थ्री में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो जब ये प्लस थ्री में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो आप जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कोई भी करता है ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यह इसका दूसरा आंसर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए सीरियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं, वाई सेमेरियम प्लस टू यूरोपियम प्लस टू वाई बी प्लस टू रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे क्या होते हैं, तो हमने अभी अभी पढ़ा क्या कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, तो जितनी भी प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो बच्चों किसमें कन्वर्ट करने होने की कोशिश करेंगी, वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगी प्लस थ्री में, और जब प्लस टू प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखाता है, तो लेंथेनाइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दिखाते हैं, और उसके बाद में यूरेनियम और एमरिशियम। एमरिशियम ऑलरेडी नीट के एग्जाम में आ चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के मैग्नेटिक बिहेवियर में काफ़ी वेरिएशन आता है, और सारे एक्टिनाइड पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और एक्टिनाइड भी और लेंथेनाइड भी, और इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है, मतलब एक्सियल मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है। इनका हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए ये स्पिन स्पिन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्योंकि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट में एक्सियल रोटेशन और ऑर्बिटल रोटेशन दोनों ही लेते हैं, इसलिए इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में काफ़ी वेरिएशन आता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किस एलिमेंट में मैग्नेटिक मूवमेंट में मैक्सिमम डेविएशन आता है, तो आप देख सकते हैं सेमेरियम और यूरोपियम में मैक्सिमम डेविएशन प्रेजेंट होता है, जबकि डायस्पोरियम मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से यही दो क्वेश्चन नीट और जेई लेवल पर आ सकते हैं कि कौन सा लेंथेनाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है, और मैक्सिमम डेविएशन दिखाने वाला एलिमेंट कौन है, यूरोपियम। यूरोपियम का ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्मॉल साइज और हाई चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, और हम जानते हैं लेंथेनाइड का साइज बड़ा होता है, इसलिए एक्टिनाइड के कंपैरिजन में लेंथेनाइड कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपके एग्जाम में आने के लायक। तो लेंथेनाइड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, या इसका फॉर्मूला हम सिंपल लिखें CNO3+2। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट प्राइमरी अल्कोहल के साथ रेड कलर देता है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कि सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, क्योंकि NO3 एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये टू लोन पेयर देता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ये IIT और नेट के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, IIT और नेट के एग्जाम में आ चुका है। अब हम दोनों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। लेंथेनाइड प्लस थ्री के अलावा 2 और 4 दिखाता है, जबकि एक्टिनाइड 3 के अलावा हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा दिखाता है।
लेंथेनाइड के ज्यादातर आयन्स कलरलेस होते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जबकि ज्यादातर एक्टिनाइड कलर दिखाते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनाइड के कंपैरिजन में कम होती है। सारे लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, सिर्फ एक पीएम है या प्रोमिथियम जो रेडियो एक्टिव नेचर दिखाता है, जबकि सारे के सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि लेंथेनाइड की 4F की पेनिट्रेशन पावर बहुत हायर होती है, तो वो न्यूक्लियस के करीब होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जबकि एक्टिनाइड लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि 5F की पेनिट्रेशन पावर 4F से ज़्यादा कम होती है, तो 5F से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऑक्सो आयंस नहीं बनाते, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लेंथेनाइड ऑक्सो आयंस नहीं बनाते या ऑक्सोनियम आयन नहीं बनाते। अब बच्चे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन क्या होते हैं, हमने देखे हैं कार्बोनेट -2 होता है, सल्फेट -2 होता है, फॉस्फेट -2 होता है, क्रोमेट -2, क्रोमेट डायक्रोमेट -2, मीन्स ऑक्सीजन के सारे ही कंपाउंडों पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन आप देख सकते हैं जब एक्टिनाइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया, तो इसके ऊपर +2 चार्ज हो गया। और जब किसी आयंस पे +2 चार्ज होता है तो हम उसके नाम में ईएम लगा देते हैं। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है जो सिर्फ एक्टिनाइड बनाते हैं, लेंथेनाइड नहीं। हम लेंथेनाइड के लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं और वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये किसी भी एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +3। तो जब लेंथेनाइड की रिएक्शन हैलोजन से कराएंगे तो LnX3 बन जाएगा, जब हम इसकी रिएक्शन OH हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो LnOH थ्राइस बन जाएगा, और जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन से कराएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है इसलिए LnN बन जाएगा, जब हम सल्फर की रिएक्शन कराएंगे सल्फर की वैलेंसी 2 होती है इसलिए Ln2S3 बन जाएगा, ऐसे ही जब हम ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Ln2O3 बन जाएगा। तो सारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट यूज, तो हम चलते हैं लेंथेनाइड के यूजेस की तरफ, और इसका पहला यूज है मिस मेटल। मिस मेटल को हम पायरोफोरिक मेटल भी कहते हैं, ये सारे ही एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है। पायरोफोरिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कहीं पर रिगड़ने से इसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं, इसलिए इसका यूज़ हम लाइटर और बुलेट बनाने में करते हैं। बुलेट का मतलब बंदूक की गोली बनाने के लिए करते हैं। जब हम बंदूक की गोली के पीछे मिस मेटल लगा देते हैं और जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर जाकर मिस मेटल से जब टकराता है तो स्पार्क निकलती है और उससे बारूद फट जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज, हमने सुना होगा रेवन के चश्मे बहुत महंगे आते हैं या सनग्लासेस बहुत महंगे आते हैं क्योंकि उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की पावर होती है, इसलिए उन रेवन के ग्लासेस में हम सीरियम ऑक्साइड को मिला देते हैं और इस ग्लास को हम क्रुक्स ग्लास कहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव का अच्छा क्वेश्चन। पूरे लेंथेनाइड में सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट डायस्पोरियम या DY दिखाता है और लोएस्ट एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट सैमेरियम और यूरोपियम का होता है। अगला यूज है गैडोलियम सल्फेट की हेल्प से हम लोएस्ट टेम्परेचर इतने केल्विन 0.0002 के 2 केल्विन टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं। और एक सीरियम नाइट्रेट का यूज
हम प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट में डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और सीरियम सल्फेट का यूज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें।